साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है और मलिक के फिलहाल जेल से बाहर निकलने की संभावना भी दूर दूर तक नहीं है। उल्टा मलिक के हालात और ज्यादा खराब ही होते जा रहे हैं। मलिक की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार मलिक के साथ खड़ी है। मलिक को हटाने से, मंत्री पद छुड़वाने से साफ साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। लेकिन अब जो नई खबर आ रही है वो यह है कि नवाब मलिक की ही वजह से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में बड़ी दरार दिख रही है। दावा ये तक है कि 25 विधायक बागी हो गए हैं, जिसके बाद तो महाराष्ट्र में महाबवाल मच गया। तो क्या हुआ मुंबई में, क्यों बागी हो गए विधायक और नवाब मलिक का, इससे क्या है पूरा कनेक्शन, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी के बीच तनातनी पहले दिन से है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी वो खुद सत्ता में आ जाए और कैसे महाविकास अघाड़ी की सरकार को हटाए। और ऊपर से सरकार की तरफ से भी लगातार बीजेपी को सत्ता से दूरी रखा जा रहा है। अब इस बीच बवाल लगातार जारी है। वहीं इधर नवाब मलिक के मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया और मलिक के मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरने की भी कोशिश हुई। यहाँ तक कि सीएम उद्धव ठाकरे के परिवार तक ईडी का एक्शन हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीजेपी के साथ ही पीएम मोदी को भी ललकार दिया था। अब नवाब मलिक के साथ उनकी पार्टी एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही और मलिक का लगातार साथ दे रही है। अब यही बात महाराष्ट्र सरकार में दरार की वजह बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिख रहा है और 25 विधायकों के बागी होने की खबर है, ऐसा बड़ा दावा किया गया। एक बड़े अंग्रेजी अखबार का दावा है कि 25 विधायक सरकार से बागी हैं और दावा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इन्होंने चिट्ठी लिखकर मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस विधायकों का साफ साफ कहना है कि सरकार में उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी बातों को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। खुद कांग्रेस के मंत्री ही उनकी बातों को नहीं सुनते तो फिर अन्य पार्टी के मंत्री क्या ही सुनेंगे। इतना नहीं, कांग्रेस के बागी विधायकों ने साफ कहा है कि वो अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हालांकि इस मामले में लंबे समय से कांग्रेस के कुछ विधायकों के नाराज होने की खबरें आ रही थी, लेकिन मामला चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, सरकार को कोई दिक्कत कहीं से दिख नहीं रही थी। लेकिन कंडीशन तब खराब हुई जब नवाब मलिक का मामला सामने आया। जी हां, मलिक के मामले के बाद ऐसा क्या हुआ कि विधायकों का दर्द बढ़ गया, तो उसे भी समझिए। कांग्रेस विधायकों ने अपने आलाकमान से साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के मंत्री ही उनकी नहीं सुनते, जबकि राज्य में एनसीपी लगातार आगे बढ़ रही है क्योंकि एनसीपी के नेता अपने विधायकों को सुनते हैं। एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने विधायकों की सुनते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, अपने विधायकों का पक्ष भी लेते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। नवाब मलिक का ही मामला देख लो, शरद पवार हो या फिर अजीत पवार, वो दोनों ही नवाब मलिक के साथ हैं, उनकी पार्टी भी नवाब मलिक के साथ है और सभी पूरा पूरा साथ नवाब मलिक का दे रहे हैं। लेकिन इधर कांग्रेस के नेता और मंत्री अपने विधायकों का साथ नहीं दे रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, ऐसा विधायकों का कहना है जो कि अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है। नवाब मलिक की तरह मदद और सपोर्ट देना तो बहुत दूर की बात है, सामान्य बात तक सुनने को कोई तैयार नहीं, ये विधायकों ने कहा है। अब कंडीशन ये है कि नवाब मलिक को उनकी पार्टी और सरकार सपोर्ट कर रही है, तो कांग्रेस के विधायकों ने इसी को आधार बना लिया और कह दिया कि उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में कोई उनकी नहीं सुन रहा, इसीलिए दावा है कि 25 विधायक बागी हो गए। अब महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार है, कांग्रेस के साथ ही एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रहे हैं और 25 विधायक कांग्रेस के बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि अगर ये विधायक इधर से उधर हुए तो सरकार को खतरा हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस नेता नाना पटोले ने तुरंत ही सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और जल्द से जल्द सीएमपी यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि वो शर्तें जो कि सरकार बनाते वक्त तीन पार्टियों के बीच में तय हुई थी, उसे ठीक ढंग से लागू करने की मांग की है और कहा है कि सभी की सुनी जाए, कांग्रेस विधायकों को भी तवज्जो मिले। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोणे ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी का कोई भी विधायक कहीं से बागी नहीं है और 25 विधायकों के सोनिया गांधी के चिट्ठी लिखने की बात भी सिर्फ अफवाह है और सोनिया गांधी से किसी का मिलने जाना सिर्फ सामान्य बात है क्योंकि वो पार्टी की सबसे बड़ी नेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि कांग्रेस ने किसी के भी नाराज होने या फिर बागी होने की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और सरकार की सेहत पर भी किसी मुश्किल के होने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि नवाब मलिक के मामले से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल जबरदस्त है, सियासी गलियारों में उबाल है और ये उबाल फिलहाल थमता हुआ दिख नहीं रहा।
तो आपका क्या मानना है, क्या मलिक के कारण महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत हो सकती है या फिर सरकार की सेहत पर इससे कोई असर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक पर आफतों का असली पहाड़ अब टूटने वाला है। मलिक पर आफतों की मूसलाधार बारिश अब होने वाली है। हालात ये हैं कि मलिक जेल के अंदर हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन्हें जेल के अंदर भी राहत नहीं है या कहें कि सुकून नहीं है। और अब जो ईडी ने नई तैयारी की है, नया प्लान बनाया है, वो भी नवाब मलिक की नींद उड़ाने के लिए काफी है, मलिक का चैन छीनने के लिए काफी है, क्योंकि जेल के अंदर भी ईडी नवाब मलिक को बख्शने के मूड में फिलहाल बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही है। ईडी के मुंबई ऑफिस से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और सूत्रों के मुताबिक अब खुद ईडी भी, ईडी के अधिकारी भी जेल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, उसी ऑर्थोरोड जेल के अंदर जाने की तैयारी है जिसमें नवाब मलिक को रखा गया है। आगे देखिए, ईडी की तैयारी जेल के अंदर जाकर नवाब मलिक से फिर से सवाल जवाब करने की है और फिर से नई बातें उगलवाने की है, क्योंकि ईडी को लगता है कि अब नवाब मलिक को जेल के अंदर काफी वक्त हो चुका है और अब नवाब मलिक को तोड़ने में आसानी होगी, उगलवाने में आसानी होगी। हालांकि मलिक का अंदाज देखकर ये इतना आसान दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ईडी तैयारी कर रही है। ईडी इसके लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, कोर्ट की परमिशन के बगैर ईडी के अधिकारी जेल के अंदर जा नहीं सकते, नवाब मलिक से पूछताछ कर नहीं सकते। और पिछली सुनवाइयों में ईडी साफ साफ कह चुकी है कि वो नवाब मलिक के खिलाफ दो और केस दर्ज करेंगे, तो उसकी भी अंतिम तैयारी चल रही है और उसी के आधार पर जेल जाने की, जेल के अंदर जाकर पूछताछ करने की तैयारी है। अब पहले यहाँ पर समझिए कि ईडी कर क्या सकती है और क्या करेगी। तो ईडी को अगर जेल के अंदर जाकर पूछताछ करनी है तो इसके लिए पहले तो नया केस दर्ज करना होगा और उस केस में पूछताछ के लिए रिमांड भी जरूरी होगी। तो रिमांड तो अब संभव है नहीं क्योंकि मलिक जेल के अंदर बंद है और इसीलिए इसी बिना पर जेल के अंदर जाकर पूछताछ की जा सकती है अगर कोर्ट ने मंजूरी दी तो। वहीं अगर ईडी नया केस दर्ज नहीं करती है तो फिर भी जेल जाकर नवाब मलिक से पूछताछ करना चाहती है और पहले ही केस में पूछताछ फिर से करना चाहती है तो ईडी को इसके लिए कोर्ट को बताना होगा, इसकी पूरी फुल प्रूफ वजह देनी होगी, पक्के सबूत, पक्के गवाह बताने होंगे, दिखाने होंगे कि मलिक से इसी केस में दोबारा पूछताछ क्यों जरूरी है जिसमें नवाब मलिक की रिमांड हो चुकी है। और इन्हीं दो कंडीशन पर फिलहाल ईडी आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द इनमें से एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करने की तैयारी है। अब कोर्ट में क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो ये परमिशन ईडी को पीएमएलए कोर्ट से ही लेनी होगी और यही वो कोर्ट है जो पहले भी कह चुकी है कि नवाब मलिक पर शुरुआती आरोप सही दिख रहे हैं, लिहाजा यहाँ से परमिशन मिलने में ईडी को मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर नवाब मलिक की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दी जाती है तो वहाँ से बात अलग हो सकती है, वहाँ से कुछ अलग फैसले आने की भी संभावना है। लेकिन निचली कोर्ट से नवाब मलिक को राहत फिलहाल मिलेगी ऐसी संभावना दिखती नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।